शहर में ओबीसी जागर अभियान अंतर्गत संत शिरोमणि संताजी जगनाड़ी महाराज की पादुका रथ यात्रा का शहर के तुकड़ोजी महाराज पुतले के पास आगमन होने पर शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक से भ्रमण करते शहर के अम्बेडकर चौक में पहुंची। इस समय ओबीसी जागर अभियान अंतर्गत सभा का आयोजन किया गया। सभा के अध्यक्ष स्थान पर सांसद रामदास तड़त तो प्रमुख अतिथि के तौर पर विधायक डॉक्टर रामदास आम्बेडकर, पूर्व विधायक राजू तिमांडी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने के राज्य उपाध्यक्ष अतुल वांदिले प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समय सभी अतिथियों ने उपस्थित को मार्गदर्शन करते वक्त कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सभी के हित का है और इस हेतु सभी ने मिलजुल कर प्रयास करना जरूरी है। ओबीसी जागर अभियान सभा को शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ओबीसी आरक्षण रद्द होने के पीछे महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है, ऐसा विधान पत्रकारों से बोलते वक्त सांसद रामदास तड़स ने किया। वर्धा जिला के सांसद रामदास तड़स ये ओबीसी जागर अभियान अंतर्गत लिए गए सभा के लिए शहर में आए। इस समय उन्हें ओबीसी आरक्षण संबंधी उनकी भूमिका क्या है, इस पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य को इंट्रिल डेटा उपलब्ध कराने की सूचना दी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने डेटा कोर्ट में नहीं देने से ये चुनाव ओबीसी को आरक्षण ना देते हुए लिए जा रहे हैं। इसके आगे हम ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, इस भूमिका के साथ काम कर रहे हैं। साकर या गावापासून सुरुवात झाली आणि त्याचप्रमाणे या रथयात्रेच्या माध्यमातून ओबीसी जागरण ओबीसीला न्याय मिळावा, कारण या देशात 52% ओबीसी आहे आणि डाटा न दिल्यामुळे ओबीसीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं आपलं आरक्षण गेलं। केंद्र सरकारनं सर्व प्रांताला सांगितलं का तुम्ही त्या त्या राज्यांना आपला डाटा द्यावा, आमच्याजवळ डाटा नाही आहे। महाराष्ट्र सरकारला सुद्धा तेच सांगितलं, परंतु महाराष्ट्र सरकारनं कोर्टामध्ये डाटा न दिल्यामुळे हे आरक्षण आपल्याला ओबीसीला वगळून आपल्याला निवडणुका घ्याव्या लागल्या। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए रवि योनोरकर की रिपोर्ट।